ये कौन सफेद वाले को आगे लाना कितने हैं वो भी है आप किधर आ जाएंगे आपको जानकारी है पिछले कुछ दिनों पहले आपने सवीना मेन रोड के ऊपर एक एटीएम को तोड़ा गया था पर वो लूट ही नहीं पाए थे, पैसा सुरक्षित रह गया था। इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिस घटना को पुलिस ने दर्ज करके अपने एडिशनल एसपी सिटी गोपाल मेवाड़ा जी के नेतृत्व तो हमने एक टीम गठित की थी। उसने सीसीटीवी और तकनीकी आधार पर अनुसंधान करते हुए टीम ने गैंग को पकड़ा है। बेसिकली वो एक मेव गैंग है जो इंटरस्टेट ऑपरेट करती है, तो न केवल एटीएम लूट में बल्कि चोरी और अन्य ट्रकों की लूट तथा चोरी की वारदातें भी इस गैंग के द्वारा की गई है। इस गैंग का मुख्य सरगना कासम मेव है जो बेसिकली ओरिजिनली नू जिले का रहने वाला है हरियाणा में और वर्तमान में अपने नीम्बाहेड़ा के पास में रह रहा है पिछले कुछ सालों से। इसने इस एरिया में अपना बेस बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में ये रेकी करते हैं और हाईवे पर जो चलते हुए ट्रक्स हैं बेसिकली माल से भरे हुए, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे सोपस्टोन के हों, चाहे अन्य किसी पदार्थ के, प्रमुखता तो ये चोरी करते हैं रेकी करके, और जब चोरी में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो लूट की वारदात को भी अंजाम देते हैं। तो इनसे अपन ने हमारे एटीएम की वारदात जो हमारे जिले में हुई थी अपने सवीना में उस वारदात को खोला है, उसके संबंधित रिकवरीज हुई है। गाड़ी जिन्होंने I-20 यूज की थी, इसके अलावा इनसे हथियार रिकवर हुए हैं, और इसके अलावा खैरवाड़ा से करीब 15-20 दिन पहले एक सोपस्टोन से भरा हुआ ट्रक भी रात को हाईवे से गायब हुआ था, वो ट्रक भी पूरे माल समेत हमने रिकवर किया हुआ है। इसके अलावा अन्य कई वारदातें ट्रक चोरी की अन्य जिलों की भी है जिसको भी हमने प्रेस नोट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कुल मिला के 5 आरोपी अभी तक पुलिस ने काबू में किया, एक तो कासिम है, एक इसमें मोहम्मद इमरान करके, एक राधेश्याम जाट है और एक शेरू और अबरार करके। लोकल तो इनमें से एक भी नहीं है, पांचों ही अपने जिले से तो बाहर के हैं, पर प्रमुखतः ये जो मेव है वो तो मैंने बताया आपको मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं जो आजकल नीम्बाहेड़ा में रह रहे हैं। आपको और वो नीम्बाहेड़ा में बेस बनाने का पीछे इनका कारण है कि ये यहाँ से इन तीनों चारों स्टेट को कवर करते हैं। सर, यहाँ पे किसी दिन हम दोस्ती के बाद यहाँ पे वारदात कर रहे हैं। हाँ, इनकी दोस्ती आ रही है, इनका आना जाना भी रहा है। मैंने बताया ना जैसे आपके इसको कासम को हमने फरवरी मार्च में अरेस्ट किया था, तो एक व्यापारी है जिससे इन्होंने इसी तरीके से चोरी के माल से भरा हुआ ट्रक गायब किया था। उस ट्रक को इन्होंने सेल करने से व्यापारी के लिए पैसा लिया था और उस पैसे को हड़प कर गया था, ना उसने ट्रक दिया उसको, उस केस में इसको बंद भी किया हुआ है। तो यहाँ इस जिले में इसने रेकी भी करी, खुद भी करी है, अपने लोगों के थ्रू भी करवाई है और वारदातें भी कराई है। इसमें भी इसने कासम ने रेकी करा करके वारदात कराई है इस इमरान के थ्रू।